प्रदेश में लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच अलीराजपुर में हुई घटना ने कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर सियासत काफी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर के जोबट थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। पहले विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाए, उसके बाद जीतू पटवारी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सीधे सरकार को निशाने पर लिया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुनिए, यहाँ के बाहुबली राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार के बेटे बेटे ने उस बेटे की असमत लूटी और हालात क्या रहे कि यहाँ से उनको इंदौर रिफर करना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने जैसा कहा, क्या मोहन यादव जी में इतनी सद्बुद्धि नहीं थी कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है? और मैं जब वहाँ मिलने गया तो जो बहनों ने जिस तरीके की वेदना व्यक्त की, वो कहा कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है और हम आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग एक साथ मिलके हम पे हमला करते हैं। मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आदिवासियों के हितों और अधिकारों पे, आदिवासियों के अत्याचार और अनाचार पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, ये इसका मैसेज है। मोहन यादव जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपके मंत्री का इस्तीफा भी लेना चाहिए आपको, और अगर थोड़ी सी भी सभ्यता और सौम्यता आपकी सरकार में हो तो ऐसी घटना रोज 17 बहनों की असमत लूटी जाती है। अभी बड़ी बड़ी बात करके गृह मंत्री देश के गए हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी काफी गुस्से में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर के जोबट थाना क्षेत्र में आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। आदिवासियों के लिए देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुके मध्य प्रदेश की इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा और शर्मसार कर दिया है। कमलनाथ ने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा लिए। आपको बता दें, इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस इस घटना के बाद सरकार को घेरने में लगी है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के समय इस घटना के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, उसका असर सियासत में क्या देखने को मिलता है। अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया की रिपोर्ट, एमपी तक।